वेलकम टू विजडम क्लासेस। जैसा कि पार्ट वन में हमने एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में जब पढ़ा था तो हमने इसकी बाउंड्रीज़ के बारे में आपको समझाया था और इससे बाउंड्री से लगने वाले सी ओशन स्टेट वगैरह के बारे में समझाया था। आज हम इससे आपके लिए एशियन कंट्रीज़ एंड देयर कैपिटल विद ट्रिक्स टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि आज हम आपको कंट्रीज़ याद कराएंगे और उनकी कैपिटल्स ट्रिक के साथ याद कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए, सबसे पहले ये ग्लोब पिछली क्लास में भी आपने देखा था और इसमें आपने देखा था कि ये जो है आर्कटिक ओशन है, इसके नॉर्थ में, ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और साउथ में जो इसके है इंडियन ओशन है और ऑस्ट्रेलिया पड़ता है और वेस्ट में इसके यूरोप कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ये आप पिछले उसमें लेक्चर में समझ चुके हैं। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं, ये देखिए आपको ये कुछ नीला पीला वगैरह कुछ दिख रहा है, ये एक्चुअली एशिया को डिवाइड किया गया है। एशिया को मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कितने पार्ट्स में अगर देखें तो आप एक दो तीन चार पाँच छः पार्ट्स में। अब ये छः पार्ट्स में किस हिसाब से डिवाइड किया गया है ये समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर अगर सेंटर पॉइंट माने तो इसे सेंट्रल एशिया कहते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज है जो मैं आगे आपको इसी स्लाइड में समझाऊंगा। तो और इसके ईस्ट में अगर देखें तो ये ईस्ट एशिया कहलाता है, जिसमें ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें कुछ कंट्रीज़ आते हैं। और इसके नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में नॉर्दर्न एशिया आता है, जिसे मतलब जिसमें मेन मतलब केवल रशिया का पार्ट आता है। और इससे नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ एशिया आता है, जिसमें अपना इंडिया पड़ता है, ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है। और इसी तरीके से इसमें वेस्ट में जाएंगे तो ये आपको वेस्ट एशिया, और इसे इसमें थोड़ा साउथ वेस्ट एशिया के हिसाब से भी पड़ता है तो इसे साउथ वेस्ट एशिया भी कहा जाता है। अभी इसी तरीके से जब यहाँ से इस तरीके से आते हैं तो ईस्ट और साउथ के बीच में इधर आते हैं तो ये साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है। आज हम आपको ये साउथ ईस्ट एशिया के विषय में ही समझाएंगे और आप इसको अच्छे आइए। अब ये साउथ ईस्ट एशिया को समझते हैं। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया है तो इसमें देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, ये म्यांमार और इसी तरीके से और भी देश दिख रहे हैं आपको। तो अब इनको कैसे याद करते हैं इसको लेकर चलते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक ये नीचे ट्रिक दी हुई है, ये आप समझिए, इसको समझेंगे आप तभी आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये क्या लिखा है, मामा लाओ थैला और कम्बो बिटिया फिर करो पाइनएप्पल इसमें। ऐसे तो अजीब सा लग रहा होगा ये, लेकिन अब इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। अब ये क्या है, मामा मतलब म्यांमार, लाओ मतलब लाओस, थैला मतलब थाईलैंड, कम्बो मतलब कम्बोडिया, बिटिया मतलब वियतनाम। मामा लाओ थैला कम्बो बिटिया, अब कम्बो बिटिया से कहा जा रहा है कम्बो बिटिया इसमें फिल करो पाइन, पाइन एप्पल होता है ना, फिल करो पाइन यानी कि फिलीपींस, तो फिल करो पाइन फिलीपींस। तो ये तो एक हो गई आपको एक मतलब समझ में आ गया, देशों के नाम समझ में आ गए। लेकिन अभी इसको दो पार्ट में समझाऊंगा, लेकिन अभी इसमें आगे इसके जो है कैपिटल के बारे में समझते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा करके मैंने दिखाया आपको जिससे आपको समझ में आएगा, ये म्यांमार यानी कि मामा कहता ना, तो मामा जो है अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। मामा जो है वो क्या पहनाते थे हमें, नेपी पहनाते थे, नेपी पहनते थे ना बचपन में, तो नेपी दे, तो नेपी दे क्या है म्यांमार, यानी कि मामा थे म्यांमार और म्यांमार जो क्या है नेपी पहनाते थे नेपी दे। अब आगे लाओ, लाओ कहने वाले जो हैं हम लाओ तो कह रहे हैं मामा से, लेकिन जब छोटे थे तो यही लाओ कहने पे बेंत पड़ता था, क्या पड़ता था, बेंत पड़ता था, तो ये क्या है लाओज की बेंतेन। अब इसके बाद में थाईलैंड, थैला लाओ, थैला की बात आई ना, थाईलैंड, थाईलैंड का मतलब हो गया थैला, तो ऑलरेडी क्या होता है बैग होता है ना बैग, तो बैंकॉक। अब क्या हुआ इससे आगे, आगे कम्बोडिया की बात करते हैं, तो कम्बो कहा था ना हमने, कम्बो क्या है एक बिटिया का नाम है ना, अब जो कम्बो बिटिया का नाम है, तो जब बिटिया का नाम है तो आप समझ लीजिए कि हम नाम की बात करें तो नाम पेन, कम्बोडिया का क्या हो गया नाम पेन। ऐसे ही जब बिटिया वियतनाम के लिए यूज़ करा था, बिटिया से वियतनाम, तो वियतनाम
की बात करें तो बिटिया की है नई हनोई, मतलब नई है अभी, इसीलिए इसको फिल करना सिखा रहे हैं पाइन एपल। तो बिटिया है नई, तो ये वियतनाम हनोई। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये आया फिलीपींस, फिलीपींस की होती है मनीला। तो क्या है, फिल करो पाइन एपल से सीखा था, तो फिल करो पाइन एपल फिर क्या आएगा, मनी। मनी के लिए तो कर रहे हैं ना, पाइन एपल थैले में भरवा के बेचने जाएंगे, तो फिल करो पाइन एपल। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हमने मतलब ये आधा सेक्शन इसका सीख लिया। अब नीचे वाले इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है, जो फिर से हम बताते हैं। अब यहाँ पर आते हैं आधा सेक्शन, ये समझिए। अब इस सेक्शन में आप देख रहे होंगे ये मलेशिया, सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, ये पीला वाला पार्ट जो सारा है ये इंडोनेशिया, और इधर ये छोटा सा ब्लू के बीच में दिख रहा है ये मलेशिया। दो जगह पड़ता है, दो हिस्से में, इधर भी है इधर भी है, और इसके जो ब्लू हिस्से के बीच में पड़ता है क्या है, ब्रुनेई। और इधर आपने ऊपर फिलीपींस देखा ही था, वो हमने पिछली अभी ट्रिक में सीख ही लिया। और ये पूरा सा ये सारे इंडोनेशियन द्वीप समूह है, ये सारा ये कलर में दिख रहा है ना, ये सारा है। तो अब इसको समझते हैं, नीचे एक है ईस्ट टिमोर, ये है ईस्ट टिमोर। तो अब आपको इसके लिए ट्रिक बनाई है मैंने, मले सिंगर बुरा नहीं पर इन दोने तैमूर को चुना। इन दोने का मतलब है जज हैं कोई, उनकी बात हो रही है इन दोने। अब इसी से समझते हैं मले, अब इसको कैपिटल की उसमें चलते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये क्या है, मले मतलब मलेशिया, और इसका मले कैसे है वो तो, सिंगर तो अच्छा है लेकिन मले जो खुद में क्या है वो बेचारा काला है, तो क्या होगा कुआलालंपुर। अब सिंगर अच्छा है तो सिंगापुर की सिंगापुर ही रहती है, सिंगापुर की सिंगापुर। अब ब्रुनेई को लिखा था कि बुरा नहीं, सिंगर बुरा नहीं, उससे सीखा था ना, बुरा नहीं, बुरा नहीं है सिंगर। अब बुरा क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर बंदर श्री भगवान की कृपा है। तो बंदर शेरी बागवान, तो इसकी कैपिटल होती है बंदर शेरी बागवान। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन दोने कहा था ना कि मले सिंगर बुरा नहीं पर इन दोने, इन दोने मतलब इंडोनेशिया, और इन दोने मतलब ये दोनों कौन थे, जज हैं। तो कौन है कर्ता धर्ता, सब यही है, इन दोने यही कर्ता धर्ता है। तो इन दोने मतलब कौन हो गए, जकार्ता, जकार्ता। ठीक है, वैसे तो अब इंडोनेशिया की कैपिटल चेंज होने जा रही है, इसका नुसांतारा, नुसांतारा होने जा रही है, जो बोर्नियो द्वीप समूह पे अब होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये नीचे मैंने दिखाया था एक, ये ईस्ट तिमोर, तो यानी कहता है इन दोनों ने चुना तैमूर को। तो तैमूर कौन है, तो ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते, तो तिमोर लेस्ते इन्होंने चुना। तो लेकिन तिमोर लेस्ते क्यों चुना, क्योंकि इन्हें दिल से पसंद आया वो, इन दोनों को दिल से मतलब दिली। अब ये देखिए आपको ये सारी कैपिटल समझ में आ गई और कंट्री समझ में आ गए। अब इसको ज़रा ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा इस तरीके से कि मैंने ये ऐसे क्यों दिखाया, कुछ लाइन खींच रखी हैं और कुछ ये लाइन खींच रखी हैं और फिर इनको सीरियल से ना लिखे इस तरीके से लिखा है। तो ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी पीसीएस में अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इन कैपिटल्स को नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या साउथ से इसकी तरफ। तो मैंने उनको जो लेटिट्यूड के अकॉर्डिंग मतलब उनको दिखाया कि कौन सा ऊपर पड़ रहा है कौन सा बाद में पड़ रहा है, इसी सीरियल में है। और ये देखिए आप इसी तरीके से दिखाया गया है। तो ये आप अगर ऐसे याद कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की तो आपके भी काम आएगा, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना मैंने सिखाया है उतना सीख लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए जो मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें हैं, हनोई वियतनाम, बिटिया नई है, मामा नेपी पहनाते थे, लाओस कहने वाला बेटा जो है बेत से पिटता था, फिलीपींस मतलब फिल करोगे पाइनएप्पल तो मनी मिलेगी, थाईलैंड मतलब थैला क्या है, बैग है तो बैंकॉक, कंबोडिया मतलब कंबो क्या है, बिटिया का नाम है तो नाम पेन, और कौन बुरा नहीं है वो कौन है, मतलब सिंगर बुरा नहीं है तो बुरा नहीं है क्यों, तो ब्रुनेई बंदर शेरी बागवान। ऐसे ही मलय कैसा है बेचारा, है तो बहुत अच्छा सिंगर लेकिन काला है तो कुआलालंपुर, और सिंगापुर की सिंगापुर, इंडोनेशिया मतलब इन दोनों ने डिसाइड करा तो ये दोनों कौन जज हैं, तो कौन है कर्ता धर्ता, तो इन दोनों ने जकार्ता इंडोनेशिया। तैमूर को क्यों चुना, तैमूर लेस्ते का क्या है, दिल से पसंद आ गया था उन्हें तो दिल्ली। तो इस तरीके से ये आपका ये टॉपिक कम्प्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एशिया कॉन्टिनेंट के एक अन्य पार्ट के कंट्रीज एवं कैपिटल्स को इसी तरह आसान ट्रिक से याद कराएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।
जिससे इसी तरीके से मैं और आपके लिए मज़ेदार लेक्चर्स बनाता रहूं और आपको आसानी से अच्छे तरीके से सिखाता रहूं। धन्यवाद।